ब्रेस्ट कैंसर। एक हालिया तहकीक के मुताबिक घरों में एयर फ्रेशनर का ज्यादा इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर का बाइस बन सकता है। बर्तानिया में की जाने वाली इस तहकीक में बताया गया है, जिन घरों में एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल ज्यादा होता है वहाँ खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। माहिरीन का कहना है एयर फ्रेशनर के ब्लॉक्स जो खुशबू के बुखारात खारिज करते हैं इस खतरे को ज्यादा बढ़ा देते हैं। माहिरीन ने खवातीन को खबरदार करते हुए घरों में सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स को भी सेहत के लिए खतरनाक करार दिया है। पस्तान के सरतान को अमूमन छाती का सरतान या कैंसर भी कहा जाता है। इस किस्म के सरतान में सरतानी खलियात पस्तान के खलियात में ही पैदा होते हैं। दुनिया भर की खवातीन में छाती का कैंसर आम तर होता जा रहा है और एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की खवातीन के कुल आबादी में 16% औरतों को ब्रेस्ट कैंसर का आर्जा लाहक है। ब्रेस्ट कैंसर से पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 5 लाख खवातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं। ये मर्ज ज्यादातर 50 से 60 साल की उम्र के दरमियान औरतों में पाया जाता है, लेकिन अब कम उम्र खवातीन भी इस बीमारी में बहुत तेजी से मुब्तला हो रही हैं। बर्तानिया में हर साल तकरीबन 45,000 ब्रेस्ट कैंसर के केसेस की तशखीस की जाती है, जबकि हर 9 में से एक खातून में उनकी जिंदगी में कैंसर का इम्कान होता है। ब्रेस्ट कैंसर जर्मनी और दूसरे यूरोपीय ममालिक में भी बहुत फैल चुका है। 4,000 खवातीन हर साल रहम या बच्चादानी के कैंसर का शिकार होती हैं और तकरीबन 10,000 ओवरीज या बेजादान के कैंसर के और 48 से 50,000 खवातीन ब्रेस्ट कैंसर के मर्ज में मुब्तला होती हैं। आदाद और शुमार के मुताबिक हर नवी औरत इस मर्ज का शिकार होती है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 85,000 खवातीन सरतान के बाइस मौत का शिकार हो जाती हैं। मुल्क में फेफड़ों और छाती के सरतान के अलावा जिगर के सरतान में भी इजाफा दिखाई देता है, जिसकी वजह माहिरीन सेहत के मुताबिक यरकान का आम होना और उसके इलाज में ताखीर है। इसके अलावा आंतों का कैंसर, मसाने के करीब पाए जाने वाले हुदूद का सरतान भी आम है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक हर साल छाती के सरतान में मुब्तला खवातीन तकरीबन 90,000 केस रिपोर्ट होते हैं, जो एशियाई ममालिक में सबसे ज्यादा तादाद में हैं। पाकिस्तान में हर साल 40,000 खवातीन सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के सबब मौत के मुंह में चली जाती हैं और हर रोज मुख्तलिफ हस्पतालों में इस मर्ज के सबब 250 खवातीन रजिस्टर होती हैं, जबकि एक हालिया सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर से 110 खवातीन रोजाना मौत के मुंह में चली जाती हैं। ये मर्ज सिर्फ खवातीन में ही नहीं बल्कि मर्दों में भी हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक मर्दों में अपने लाइफस्टाइल या तर्ज जिंदगी को बदलने और डॉक्टर से तिबी मुआयना कराने में हिचकिचाहट इनमें खवातीन के मनिस्बत कैंसर होने के इम्कान ज्यादा होने का सबब बन सकते हैं। कैंसर के बारे में तहकीकात के बाद माहिरीन का कहना है कि ऐसे कैंसर जो मर्द और खवातीन दोनों में होते हैं इनमें खवातीन के बनिस्बत मर्दों में कैंसर के होने के 60% और इससे उनकी मौत होने के 70% इम्कान ज्यादा हैं। ब्रेस्ट कैंसर और ऐसे कैंसर जो जिन्स से मुताल्लिक हैं, इनके अलावा दीगर कैंसर और फेफड़ों का कैंसर मर्दों को ज्यादा हो सकते हैं, खासतौर पे फेफड़ों का कैंसर, क्योंकि मर्द खवातीन के बनिस्बत ज्यादा तंबाकू नोशी करते हैं और लंग कैंसर तंबाकू नोशी से होता है। खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की वजह उनमें एस्ट्रोजन की ज्यादती बताई जाती है। ताज़ा रिसर्च से पता चला है एस्ट्रोजन को महदूद करने से खवातीन में इस मौजी मर्ज से शिफा याबी की अलामत पैदा हुई हैं। इस सिलसिले में खुसूसी वर्जिश और खुराक को मेयारी बनाया गया है ताकि इससे एस्ट्रोजन में कमी लाई जा सके। जदीद दौर में खवातीन में हार्मोन्स की गैर मुतवाजन होने की वजह से कई शिकायत भी आम हो गई हैं। ये एक ऐसी तिबी कैफियत है जिसमें रहम के अंदरूनी हिस्से में तश्कील पाने वाले खलियात जिस्म के दूसरे अज़ा में भी जन्म लेने लगते हैं और जहां उनकी कोई जरूरत नहीं होती। गिल्टियों से होशियार खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर से ज्यादा ब्रेस्ट लिम्पस की शिकायत आम होती हैं। ये छातियों में बनने वाले वो गिल्टियां और गुमड़ हैं जिसे पॉलिस्टिक या फाइब्रोस्टिक कहा जाता है। ये शिकायत 25% खवातीन को जिंदगी में किसी मरहले में भी हो सकती हैं। ताहम अच्छी बात ये है कि ऐसी गिल्टियां सरतानी खसूसियात के हामिल नहीं होती हैं, ज्यादातर गैर मुजर होती हैं। ताहम इन गिल्टियों की मौजूदगी में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।